हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेंगलुरु डिश रुई मच्छर कलिया। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रेहू फिश। तो इसको सबसे पहले हम नमक और हल्दी डालकर इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने अच्छे से नमक और हल्दी इसमें लगा लिया है, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सरसों का तेल गरम कर लिया है, अब हम इन मछलियों को फ्राई कर लेंगे। मछलियाँ हमारे अच्छा से फ्राई हो चुकी हैं, अब हमें पलट लेंगे। तो मछली हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में डाल देंगे इलायची, दालचीनी और लौंग, और ये तेजपत्ता तोड़ के हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दो बड़ा साइज का प्याज, जिसको हमने दरदरा सा पेस्ट कर लिया है। तो प्याज हमारे देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने हाफ चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छे से भून लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा साइज का टमाटर का पेस्ट करके हम रखा हुआ है, इसे डाल दिया हमने। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज लहसुन टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। डाल देंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे हम ये लाल मिर्च का पाउडर, मिला देंगे अच्छे से। और डालेंगे हम इसमें हाफ चम्मच जीरा पाउडर। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे ये दो तीन चम्मच हमारे पास दही है, हमने फेंट कर रखा हुआ है। इसे अच्छे से मसालों के साथ भुनेंगे। तो दही भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने नहीं डाला था, स्वाद अनुसार हम नमक इसमें डाल देंगे। तो सारे मसाले हमारे एकदम अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ये मिक्सी का जार में थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था तो हमने धो करके इसे डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बहुत थोड़ी सी चीनी हमने डाल दिया है, ये स्वाद को इन्हेंस करता है, तो ज़रूर डालें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये पानी हमने डाल दिया है। तो पानी हमने डाल दिया, अब हम इसमें मछली के जो पीसेस हैं डाल देंगे। डाल करके इसे थोड़ा सा पलट देंगे, ये हमने पलट दिया है। अब हम इसे दो मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मछलियाँ हमारे अच्छे से पक जाए और मसाले अंदर तक चले जाए। तो ये हमने ढक दिया, मिलते हैं दो मिनट बाद। तो दो मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। तैयार है हमारा रोहू मछली का कालिया, पलट देंगे एक बार फिर से। तो हमारी डिश बिल्कुल तैयार है, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया हमने, और डालेंगे दो हरे मिर्च, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से ये हरा धनिया के पत्ती। चलिए डिश हमारा तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।